आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि भव सागर। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां हो जाती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छू रहे। पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते थे हिंदुस्तान में खासकर। पता हुआ कि पहला वाला अभी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया है, तीसरा वाला रुपया पैसा लूट करके भागा है। हमारे पास तो यही अंदाजे रहता है कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखे, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल देंगे। आपको एक भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा, तो क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, वो तो आपके नोच खसोट में लगे हुए। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनका इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकते। जिस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा? एक और मुझे पता है, गुरु महाराज उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी हो। उनका नाम भी अजीब सा है, वो पूना में थे, वो मैं कहती हूँ कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है, क्यों सारे ब्राह्मण उनके शिष्यों। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते हैं। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय तरुणोपाय गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहने भी कौन से शास्त्र में लिखा है? कहले हमारे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े? क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं, ये आपने कहां से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उन पे एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए, उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो असर है, वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 वा, क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़ी कहते हैं, ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए, किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया या आपके अंदर आनंद आया या उससे कोई आपको सुख मिला? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके कि घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं? तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? कहले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। So, इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना कर, साधना करें आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो, उसे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए।
तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है, पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता, तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है। इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है, वही लोग कैंसर को पाते। और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है, आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात है। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहां पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहां है, वो पकड़ जाए। और जब ये पकड़ जाता है तो समय देना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत हो। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या न डॉक्टर हो बहुत आसानी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर दो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिंपथेटिक से आता है, वो बीचों बीच। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे कि ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पालें। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल। पर फिर लेफ्ट साइड से, यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूत काल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से जब से यह सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। उसको डॉक्टर लोग प्रोटीन 53 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी, लोगों हर गांव में जाओ तो वहां ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंडे दोरे तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे आप रटते बैठे रहिए, इसको रटने से विशुद्धि चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है, फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे, समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया, समझ लीजिए, और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे, तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है, ऐसे ही शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हर समय उनको परेशान करते रहते हो, तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। उसी तरह गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहां जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनको पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ, आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ, आपको पेट की तकलीफ है, हाँ,
जिस चीज पे आप इस तरह से लग जाते हैं उसी की आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है, वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं। हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हार्ट पकड़ जाता है, श्री राम और सीता हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हार्ट पकड़ जाता है, और उसकी वजह से आपको आस्थमा हो जाए। आस्थमा हो ही जाएगा, ये मैं आपको बता, आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपका राइट हार्ट पकड़। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रखते रहते, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है, वह है लेफ्ट विशुद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ती। साधारण एक उदाहरण ये बताया कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हुआ और आप फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है, उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है, अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहें तो आप इंसान हैं, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं? फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई, ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं? कि आप अपनी अगर मां से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया सारा घर खराब हो जाता। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपवास है, और उसमें भी उल्टापना बहुत, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपवास करो, माने उस दिन कोई सूतक है क्या, उस दिन कोई मर गया? आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते हो, इसका कोई कारण होना चाहिए ना। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं, एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही अज्ञान और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां हो जाती।